गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 97 में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। ये देखिए इसका डायग्राम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि POQ एक लाइन है, रे OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, और OS जो है एक और रे है जो इन दोनों के बीच में आ रही है, इन दो रे के बीच में आ रही है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS, एंगल ROS किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS के इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, गिवन है आपका OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, तो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, ये गिवन है। और एंगल ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्यों हो जाएगा, क्योंकि OR जो है परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, यहाँ सामने लिखेंगे लेकिन यहाँ स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ, टू प्रूफ एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे एंगल QOS माइनस एंगल POS, मतलब एंगल ROS किसके इक्वल है, ROS किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के इक्वल है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ में, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस POQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां जितने भी एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ROQ की वैल्यू पुट करेंगे 90, पुट कर दिया, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इस इक्वेशन को हम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर इसी को आगे सॉल्व करेंगे हम, POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो देखिए कि आ गया एंगल POS इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एंगल POS प्लस 2 इंटू एंगल ROS प्लस 2 इंटू 90, तो देखिए 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, ये है आपकी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सेकंड आ गई एंगल 2 एंगल POS प्लस 2 एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट From equation first and second we get, देखिए जब इक्वेट करेंगे तो 180 कैंसिल हो जाएंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, तो लिखेंगे हम एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ किसके इक्वल आ जाएगा, 2 एंगल POS
प्लस टू एंगल आर ओ एस के। देखिए क्या आ गया, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू टू एंगल पी ओ एस प्लस टू एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब देखिएगा फिगर, आप जब देखेंगे ध्यान से, जो आप ये जो फिगर बना हुआ है इस फिगर को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू ओ एस के। तो पी ओ एस हम एज इट इज लिख देंगे और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल क्यू ओ एस। ठीक, यहाँ पे जो है एज इट इज आ जाएगा टू एंगल पी ओ एस प्लस टू एंगल आर ओ एस। अभी टू है यहाँ वन है, इसको इधर ले आएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू टू एंगल पी ओ एस प्लस टू एंगल आर ओ एस। एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, ये प्लस में था इधर आएगा माइनस में, टू एंगल पी ओ एस प्लस फिर इक्वल टू टू एंगल आर ओ एस। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो एंगल क्यू ओ एस टू में वन माइनस करेंगे वन आएगा, यानी एंगल पी ओ एस आएगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू टू एंगल आर ओ एस। अब यहाँ टू इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स वन बाई टू हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह भी, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हैंस प्रूफ्ड, आपको यही प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो लास्ट में लिखेंगे हम हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप आ जाइए पेज नंबर 98 में बुक के, आ जाइए बुक के पेज नंबर 98 में, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट में, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे एक लाइन M है और एक लाइन N है, इसे एक लाइन L अलग अलग पॉइंट में कट कर रही है, इस लाइन को P पे कट कर इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो L क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि वो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3 एंड 7, ये एंगल्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, 3 का 5 एंड 4 का 6। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, 1 का 7 एंड 2 का 8। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से होंगे, 4, 5 एंड 3, 6। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में, उन्हें हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं और एलाइड एंगल्स भी कहते हैं और को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में, उसे हम ये तीनों कह सकते हैं। जनरली हम यूज़ करेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 99 में, एग्जाम 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, देन जो हर एक पेयर होता है करस्पॉन्डिंग एंगल का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम 6.4 में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो लाइन को इस तरह से कि अगर उसमें एक पेयर जो है ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होता है, तो दी हुई दो लाइन्स क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर आ जाइए 100 में, थ्योरम 6.2, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, देन उसका जो हर एक पेयर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए थ्योरम 6.3 में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को इस तरह से कि उसका एक पेयर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, वो इक्वल है, तो दी हुई दो लाइंस क्या हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। नेक्स्ट आ जाइए थ्योरम 6.4 में,
If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. अगर एक transversal intersect करती है दो parallel lines को, then जो हर एक pair होगा interior angles का on the same side of the transversal में वो supplementary होगा. मतलब एक pair जो मतलब pair होगा जो interior angles का on the same side of the transversal में वो supplementary होगा हर एक pair. ठीक है. Next theorem 6.5. If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. अगर एक transversal intersect करती है दो lines को इस तरह से कि उसका एक pair जो है interior angles का on the same side में of the transversal की अगर वो supplementary है तो दी हुई दो lines भी क्या हैं parallel हैं. ठीक है. Next आ जाइए theorem 6.6 में page number 101 में. Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. वो lines जो parallel हैं same line के तो parallel होती हैं एक दूसरे के. Means देखिए यहाँ line L parallel है M के और M parallel है N के, तो इसका मतलब L parallel होगा N के. समझ में आया आपको? L और M parallel हैं और M और N parallel हैं. ठीक है. ये नहीं दिया कि L और N parallel है, लेकिन जब L parallel होगा M के और M parallel है N के तो L और N भी क्या होंगे दूसरे के, L और N line भी एक दूसरे के parallel होंगे. ठीक है. यही आपकी थ्योरम 6.6 में दिया है. अब आप आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में. आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में. इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी. एक फिगर दिया है आपका 6.28, इसमें हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की एंड ये शो करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, मतलब लाइन ए बी पैरेलल होगी सी डी के. ठीक है. तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपका फिगर है इसमें हमने एक पॉइंट ये कंसीडर किया है ई, इसे कंसीडर किया है एफ और इस ट्रांसवर्सल का नाम लिया है पी क्यू. मतलब ट्रांसवर्सल की नेमिंग की हमने, इसे पी, इसे क्यू, पी क्यू ट्रांसवर्सल हो गई. ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है, तो ये आप कंसीडर कर लीजिएगा फिगर में. ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. आ जाइए 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में. देखिए फिगर है ए बी है, सी डी है, एक ट्रांसवर्सल पी क्यू कट कर रही है पॉइंट ई एंड एफ में. ठीक है. ये एंगल एक्स है, ये 50 डिग्री दिया है, वाई एंड 130 डिग्री दिया है. सबसे पहले लिखेंगे ये और ये एंगल, सबसे पहले एंगल लिखेंगे हम लाइन पी क्यू एंड सी डी, लाइन पी क्यू एंड सी डी, लाइन पी क्यू एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट एफ. मतलब जो लाइन पी क्यू है एंड लाइन सी डी जो है इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट एफ में, तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. मीन्स एंगल सी एफ क्यू, सी एफ क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल सी एफ क्यू मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, पी एफ डी के यानी वाई के, एंगल पी एफ डी. सी एफ क्यू किसके इक्वल होगा, पी एफ डी के. तो सी एफ क्यू की वैल्यू कितनी है 130, इसकी वैल्यू है वाई, मीन्स वाई इज इक्वल टू आ गया 130 डिग्री. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. ठीक है. फिर लिखेंगे पी क्यू, आपकी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू क्या एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक रे है, ए ई स्टैंड्स हैं, तो ये और ये एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे. ठीक है. तो लिखेंगे हम सिंस सिंस पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन. क्या लिखेंगे हम, सिंस पी क्यू जो है इज अ स्ट्रेट लाइन है एंड अ रे ए ई स्टैंड्स ऑन पी क्यू. देखिए पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और ए ई एक रे है जो स्टैंड कर रही है पी क्यू के ऊपर, तो देखिए क्या होगा, एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी प्लस एंगल ए ई क्यू या ए ई एफ दोनों लिख सकते हैं आप. एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. कैसे होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लीनियर पेयर ऑफ
एंगल्स, ठीक। तो एंगल ए ई पी मीन्स ये एंगल, एंगल ए ई क्यू मतलब ये एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, ठीक है। तो ए ई पी की जगह हम 50 डिग्री पुट करेंगे, इसकी जगह x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, 180 माइनस 50, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 130 डिग्री। ये है इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, वी गेट, देखिए फर्स्ट और सेकेंड देखिए 130 कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x इक्वल टू y हमें मिल गया। तो देखिए जब x इक्वल टू y हो जाएगा मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर क्या है, इक्वल हो गया है। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वन पेयर इक्वल हो जाएगा इसका मतलब दी हुई लाइंस क्या है, पैरेलल है, मतलब ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में एज दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एज दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दे आर फोर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया है कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स इक्वल टू वाई हो गया, मतलब जो पेयर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के वो दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ए बी और पैरेलल है सी डी के, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है, इन्हें आप घर में अच्छे से पढ़िएगा।